जम्मू संभाग के रजौरी के कंडी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी व धमाके में भारतीय सेना के दो जवान शहीद हो गए थे, जबकि एक ऑफिसर समेत चार अन्य घायल हो गए हैं। घायलों को कमांड हॉस्पिटल उधमपुर ले जाया गया। वहीं सैन्य अस्पताल में इलाज के दौरान भर्ती किए गए तीन और जवान शहीद हो गए, जिससे मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। किश्तवाड़ में सेना के हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से उस पर सवार तकनीशियन तेलंगाना निवासी पी अनिल की सैन्य अस्पताल उधमपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं उधमपुर में शहीद जवान को समर्पित श्रद्धांजलि समारोह आयोजित की गई, जहां उत्तरी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शहीद जवान को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पुंछ जिला पुलिस ने पाकिस्तान से भेजी 6 किलो हीरोइन की खेप के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों नशे के तस्कर नियंत्रण रेखा पर स्थित दिगवार सेक्टर में फेंसिंग के आगे रहने वाले थे। एसएचओ रंजीत सिंह राव की अगुवाई में इस अभियान को सफलतापूर्वक किया गया। वहीं एसएसपी पुंछ ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 2 महीनों में पुंछ पुलिस ने करीब 30 किलो हीरोइन बरामद की है। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स पुलवामा में कैरम, शतरंज, टेबल टेनिस की उत्तरी क्षेत्रीय जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर जॉइंट डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स कश्मीर राजा वसीम ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की व खेलों का उद्घाटन किया। उन्होंने छात्रों को खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, ताकि समाज से नशे के खतरे को खत्म किया जा सके। सोनामर्ग में पिछले 4 महीनों से लगातार लगभग 3 लाख पर्यटकों का भारी रश देखने को मिल रहा है। पर्यटक यहाँ की खूबसूरत बर्फ से ढकी पहाड़ियों व हरे भरे व खुशनुमा माहौल देखकर मंत्रमुग्ध हो गए हैं। वहीं होटल व्यवसाय करने वालों व अन्य व्यापारियों ने कहा कि उनका कारोबार फल फूल रहा है। पूरे साल के लिए सारे होटल्स बुक हैं। इसके लिए उन्होंने पर्यटन विभाग का शुक्रिया अदा किया। कश्मीर के वेरीनाग में सीमा सड़क संगठन बीआरओ प्रोजेक्ट बीकन के द्वारा वेरीनाग स्थित 760 बीआरटीएफ के कैंप में बीआरओ के 64वें स्थापना दिवस जो 7 मई को मनाया जाएगा, इस अवसर पर जिला चिकित्सालय अंतनाग और जय कृष्ण लाल मेमोरियल ट्रस्ट वाराणसी के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 40 स्थानीय नागरिकों सहित 103 लोगों ने रक्तदान किया। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स विभाग द्वारा बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल अखनूर में 14 से 17 साल के बच्चों को लेकर खेलों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं ZDPO अशोक कुमार ने जानकारी दी कि यहां पर 25 गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों के 700 बच्चे खेलों में भाग ले रखे हैं। इन खेलों के दौरान बच्चों को खेल भावना के साथ साथ नशे जैसी बुराई से भी दूर रहने के लिए जागृत किया जाएगा। रामबन जिले के जोन बनिहाल के गवर्नमेंट हाई स्कूल कसकूट में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन कम एनरोलमेंट अभियान का आयोजन किया गया। इस नामांकन अभियान के दौरान वक्ताओं ने छात्रों के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई योजनाओं का लाभ उठाकर लोगों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित किया।